नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक और मेरे साथ हैं आदित्य। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में बर्फीले तूफान की वजह से सेना के 10 जवान शहीद हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए राहत और बचाव काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। गुरेज में बर्फीले तूफान का अटैक, बर्फ की चट्टान में दबा सेना का कैंप, ड्यूटी पर तैनात सेना के 10 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बांदापुरा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास गुरेज सेक्टर में सेना का एक कैंप एवलॉन्च की चपेट में आ गया। देर रात गुरेज सेक्टर में ही सेना की एक पेट्रोलिंग पार्टी पर भी बर्फ की चट्टान आ गिरी। दोनों हादसों में सेना के 10 जवान शहीद हो गए। मौके से 7 शव बरामद कर लिए गए हैं। गुरेज के ही नियंत्रण रेखा से सटे मानसगांव में 2 बड़े हिमस्खलन हुए हैं, जिसमें अब तक 10 शव सेना के जवानों के रिकवर किए गए हैं। 4 अभी भी लापता है और साथ ही साथ अभी तक 7 जवानों को वहां जिंदा बचा लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और जो फंसे हुए जवान हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उनके जिंदा होने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन ऑपरेशन बड़े ही पैमाने पर वहां चल रहा है। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जवानों की शहादत पर दुख जताया। अधिकारियों को राहत और बचाव का काम तेज करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में फिर एवलॉन्च की चेतावनी जारी की है। वेरी वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी, वाइड स्प्रेड टू फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटीज गोइंग ऑन। सो इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल टुडे ऑल्सो वेरी एक्टिव दिस स्नोफॉल एंड ऑल। बुधवार को भी सोनमर्ग के पास एवलॉन्च में दिल्ली के रहने वाले मेजर अमित सागर शहीद हो गए थे। सोनमर्ग में पिछले 15 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। सोनमर्ग में करीब 6 से 7 फीट बर्फ गिर चुकी है। बर्फबारी के वक्त सोनमर्ग इलाका खाली हो जाता है। सोनमर्ग के आसपास रहने वाले लोग मैदानी इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं। सीमा की सुरक्षा के लिए सेना के जवान ही सोनमर्ग में तैनात रहते हैं। रक्षा विशेषज्ञों ने जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से जवानों की शहादत पर चिंता जताई है। हालांकि आर्मी बहुत प्रिकॉशंस लेती है, पर ये अवलांचों का कुछ पता नहीं चलता है। ये नेचुरल कैलमिटी है और कभी भी कहीं से भी ये आ सकते हैं, तो ये एक बड़ा भारी खतरा है फौज के लिए और इससे फौज के जवानों और अफसरों को काफी नुकसान जो कि है सर्दियों के दिनों में होता रहता है। पिछले साल भी जम्मू कश्मीर के सियाचिन में एवलॉन्च की चपेट में आकर 19 मद्रास रेजिमेंट के 10 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन इससे भी सबक नहीं लिया गया और जवानों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। पूरे देश में जोशों खरोश के साथ 68वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया। इस मौके पर राजपथ पर भारत की सैन्य ताकत की झलक देखने को मिली। एंड दिस इज द फर्स्ट कंटिंजेंट गोइंग पास्ट द सैल्यूटिंग बेस, द 61 कैवलरी लेड बाय कैप्टन प्रीतम मिश्रा। राजपथ पर सबसे पहले नजर आया भारतीय सेना का मेन बैटल टैंक T-90 भीष्म, विशेष तिवारी ऑफ द 58 आर्मर्ड रेजिमेंट फिटेड विद अ थर्मल कॉम्बैट व्हीकल BMK-2 का नेतृत्व कर रहे हैं। भीष्म के बाद अगला नंबर आया मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कॉम्बैट दस्ते का। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला, अपार जन समूह। अगला दस्ता राजपथ पर। इसके बाद राजपथ पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की धमक भी सुनाई दी। अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर का नेतृत्व कैप्टन सुनीत लोपेस के हाथों में। हथियार खोजी रडार स्वाति का। पलक झपकते ही दुश्मन के हथियारों का पता लगाने में सक्षम स्वदेशी रडार स्वाति की भी ताकत राजपथ पर दिखाई दी। ये रडार किसी भी मोर्टार, आर्टिलरी गन और रॉकेट। कर्नल लेफ्टिनेंट करीमा लीडिंग दिस डिटैचमेंट। कैप्टन अनिल बंसल की अगुवाई में हवा में ही भारत के दुश्मनों की चिता बनाने वाली मिसाइल आकाश का प्रदर्शन किया गया। आकाश इन द वर्ल्ड
सेना के शानदार हथियारों का दम दिखाने के बाद राजपथ पर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के दस्ते के साथ जवानों का मार्च शुरू हुआ और इधर बहुत चुस्ती से सलामी मंच के सामने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता नेतृत्व कर रही मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 9वीं बटालियन के कैप्टन सुदर्शन थी। रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने देश की सेवा करते हुए परेड में शामिल सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता भी देखने लायक था। कुलदीप सीरवी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता राजपथ पर केसरिया साफा कलंगी गोरबंद अचकन कमरबंद मोहरी और झालर गोटा से सजा ये दस्ता सबका मन मोह रहा है। इस साल 26 जनवरी परेड का नेतृत्व जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने किया। एयरफोर्स और नौसेना के मार्चिंग दस्ते ने भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सलामी दी। सीआईएसएफ दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के बैंड ने भी राजपथ पर धुन बजाई। राजपथ पर परेड की शुरुआत से पहले पीएम मोदी और तीनों सेना प्रमुखों ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजपथ पर राष्ट्रपति के पहुंचने पर उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। अबू धाबी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया। राजपथ पर पीएम मोदी ने क्राउन प्रिंस का स्वागत किया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने इस मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात एडमिरल सुनील लांबा एंड एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के झंडा फहराने के बाद गणतंत्र दिवस परेड की औपचारिक शुरुआत हुई। The presentation ceremony of the Ashok Chakra. Awards to its soldiers for gallantry. अशोक चक्र। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में यूएई के सैन्य दस्ते ने भी हिस्सा लिया। मार्चिंग स्मार्टली गोइंग पास्ट द सैल्यूटिंग फेस कंटिंजेंट ऑफ सैन्य दस्ते ने राजपथ से गुजरते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सलामी दी। Mixed contingent comprises 149 soldiers of the UAE Presidential Guard, the Air Force, the Navy and the Army. UAE Military Band ke 35 jawanon ne captain marching dhun bajayi. Proud moment for our chief guest and of course for the other dignitaries carrying M16 rifles. UAE ki sainya tukdi ka netritva Abud Musabeh Al Ghafeli ne kiya. राजपथ पर परेड में शामिल यूएई के दस्ते में 149 जवान मौजूद थे। सैन्य टुकड़ी में यूएई प्रेसिडेंशियल गार्ड वायुसेना नौसेना और थल सेना के जवान शामिल रहे। परेड के दौरान यूएई के दस्ते में शामिल जवानों ने हाथ में M16 राइफल थामी थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीद हवलदार हंगप्पन दादा को मरणोपरांत सबसे बड़े सैन्य सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 26 मई 2016 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर हंगपन दादा ने उत्तरी कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे तीन आतंकियों को मार गिराया था। तब हवलदार हंगपन दादा को अपने दल के साथ आतंकवादियों को पकड़ने का दायित्व सौंपा गया। राजपथ पर परेड की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हंगपन की पत्नी चासेन लोवांग दादा को इस सम्मान से नवाजा। आगे बढ़े कि आतंकवादियों के बच निकलने का रास्ता बंद हो गया और इससे आतंकवादी अचंभित रह गए। 26 मई 2016 को शहीद हंगपन दादा को जम्मू कश्मीर के नौगाम में भाग रहे आतंकियों को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बगैर कठिन बर्फीले रास्तों पर हंगपन दादा ने साथियों के साथ मिलकर आतंकियों को घेरा। हंगपन दादा ने दो आतंकियों को मार गिराया, खुद भी घायल हो गए। घायल हालत में भी उन्होंने बाकी आतंकियों का पीछा किया और उन्हें मार गिराया। सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दो आतंकवादियों को नजदीक से मार गिराया। इस बार सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल चार पैरा के जवानों को 9 वीरता मेडल से सम्मानित किया गया है। चार पैरा के मेजर रोहित सूरी को कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। चार पैरा के ही मेजर रजत चंद्रा
कैप्टन आशुतोष और नायब सूबेदार विजय कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। चार पैरा के सीओ कर्नल हरप्रीत सिंह संधु और नौ पैरा के सीओ कपिल यादव को युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया है। इस साल दो कीर्ति चक्र, 12 शौर्य चक्र, 94 सेना मेडल समेत कुल 398 वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। 68 रिपब्लिक डे समारोह में कई मायनों से अनोखी चीजें देखने को मिली और खास रहा, पहली बार कई चीजें समारोह में शामिल की गई। परेड में पहली बार आसमान के नए योद्धा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने दमदार प्रदर्शन किया। तेजस ने सिर्फ 300 मीटर की ऊंचाई पर 780 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरते हुए सलामी दी। देसी बोफोर्स कहने वाली धनुष तोप ने पहली बार राजपथ पर अपना दमखम दिखाया। अब तक गणतंत्र दिवस परेड की सुरक्षा में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले एनएसजी के 100 ब्लैक कैट कमांडो पहली बार राजपथ पर कदम ताल करते नजर आए। एनएसजी के दस्ते में डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी शामिल रहा। परेड में पहली बार एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। 23 साल बाद लक्षद्वीप गणतंत्र दिवस की परेड में दोबारा शामिल हुआ। 1984 में आतंकियों से मुकाबला करने के लिए एनएसजी का गठन किया गया था। 2016 में पठानकोट आतंकी हमले और 2008 मुंबई हमलों के दौरान एनएसजी ने अहम भूमिका निभाई थी। परेड में पहली बार शामिल धनुष तोप खुद ही गोला लोड कर फायर करने में सक्षम है। रिपब्लिक डे परेड के दौरान पहली बार राजपथ पर एनडीआरएफ की यूनिट तैनात की गई। समाजवादी पार्टी में बात नहीं बनने के बाद मुख्तार अंसारी अब बीएसपी में शामिल हो गए हैं। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अपने परिवार के साथ आज हाथी पर सवार हो गए हैं। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आज मुख्तार अंसारी को बीएसपी में शामिल कराया। बीएसपी में मुख्तार को मऊ सदर से विधानसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया, जबकि उनके बेटे अब्बास को मऊ की ही घोसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के भाई सिकबतुल्ला अंसारी को बीएसपी का टिकट मिला है। लखनऊ में मुख्तार को पार्टी में शामिल कराने के दौरान मायावती को जी न्यूज के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। बहन जी एक सवाल है आपसे। आप लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की बात करती हैं और आपका ये नारा है कि हम गुंडों को हटाएंगे, कानून राज कायम करेंगे, और आज आप दबंग छवि, माफिया छवि के मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल करा रहे हैं, मऊ से टिकट दे रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि मायावती आपके पास आप किस आधार पे कह सकते हैं कि वो माफिया है, बाहुबलियत किस आधार पे कह सकते हैं? क्या बहन जी मुख्तार जी भले इंसान है? मुख्तार अंसारी के बारे में मैंने आपको बताया कि उनके बारे में जो खास तौर से जो आरोप लगाए गए हैं और जो उन्होंने जो सन 2005 का मैंने हवाला दिया है उसके बारे में मैंने काफी कुछ डिटेल में बता दिया, उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल इससे पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुकी है। सीएम अखिलेश के विरोध के बाद मुख्तार की एसपी से बात नहीं बनी। मुख्तार अंसारी मऊ सदर से फिलहाल विधायक हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी फिलहाल बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय कत्ल मामले में जेल में बंद। मेघालय में राजभवन के कर्मचारियों ने राज्यपाल षणमुगंथन पर गंभीर आरोप लगाए। शिलांग राजभवन के 80 से ज्यादा कर्मचारियों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राज्यपाल षणमुगंथन को तुरंत हटाए जाने की मांग की गई है। 5 पेज की चिट्ठी में राज्यपाल की हरकतों से राजभवन की मर्यादा को ठेस पहुंचने का आरोप लगाया गया है और राजभवन को युवा महिला क्लब में तब्दील करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने भी राज्यपाल के खिलाफ शिकायत की बात मानी है। ये बहुत संगीन आरोप है, मैं समझता हूँ इमीडिएटली गवर्नर को हटाना चाहिए वहाँ से और इंक्वायरी करना चाहिए, और जो लोग ने शिकायत की है वो बहुत सीरियस बात है, इसलिए 80 लोग कभी भी गवर्नर की इस तरह शिकायत कभी नहीं कर सकते।
68 साल के षणमुगंधन ने 20 मई 2015 को मेघालय के राज्यपाल का पद संभाला था। जेपी राजखोवा को हटाए जाने के बाद उन्हें अरुणाचल प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। सितंबर 2015 से अगस्त 2016 के बीच उनके पास मणिपुर का भी अतिरिक्त प्रभार था। राज्यपाल षणमुगंधन या फिर शिलांग राजभवन की ओर से फिलहाल मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। फास्ट एंड पैक्स में फिलहाल इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात कल शाम 4 बजे होगी। नमस्कार।